उज्जैन के खाशरुद थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक ने पहले तो दराते से पत्नी और बच्चों पर हमला किया, जिससे पत्नी और बच्चे घायल हो गए। घर में अफरा तफरी मची तो सल्फास खाकर अपने आप को खत्म कर लिया। उज्जैन खाचरुद शहर में निवास करने वाले चामुंडा माता मंदिर के पास निवास करने वाले राधेश्याम, जो अपने परिवार के सदस्यों के साथ खेत पर रहता है और खेती किसानी करता है, इसका निवास और कृषि भूमि खाचरुद थाना क्षेत्र में ही आती है। राधेश्याम ने अपनी पत्नी, बेटे और बेटी पर दराते से हमला कर दिया, जिसमें महिला, बेटा, बेटी गंभीर घायल हो गए। घर पर मारपीट की आवाज़ पड़ोसियों ने सुनी तो मारपीट कर रहे राधेश्याम को पकड़ा और समझाने की कोशिश की। घायल महिला, बेटी, बेटे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं राधेश्याम ने मौका पाकर जहरीला जहर गटक लिया, जिसे अस्पताल ले जाया गया। बचाने की कोशिश की गई पर मौत हो गई। खाचरुद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा कर मृतक राधेश्याम के शव को परिजनों को सौंप दिया है। वहीं अब पूरे मामले की जांच खाचरुद पुलिस कर रही है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।